Hey guys, welcome, welcome, welcome all of you on India's number one study channel, Greatress Grade EECIN. Welcome to an academy, welcome to an academy, welcome to Greatress in partnership with an academy, and we are live. A little introduction about myself. This is Prameet Lavas, educator at an academy for Gate and EAC, your Gate mentor and digital coach. Welcome all of you, those who are live. Welcome, welcome. Good morning, it's 11 a.m. in the morning, and we are live. It's 11 a.m. in the morning, and we are live. Welcome all of you. कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबडी. संदीप, कार्तिक, संकल्प, निकुंज, वेलकम, वेलकम ऑल ऑफ यू. जल्दी 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 आ जाओ यार, सेशन को जल्दी जल्दी हिट करो, लाइक करो, सेशन को सब्सक्राइब करो, सेशन को फटाफट से शेयर कर दो. आज का अपना टॉपिक है एमीटर्स, वोल्टमीटर्स, ओममीटर्स पार्ट टू. आज आप वोल्टमीटर डिस्कस करने वाले हैं और हम लाइव हैं क्रिएटर्स गेट EECIN पर. कुछ नए इनिशिएटिव भी हैं वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है. कुछ नए इनिशिएटिव है हमारे चैनल्स के, अन अकेडमी गेट तेलुगु सिर्फ आंध्र प्रदेश वाले बच्चों के लिए, इलेक्ट्रिकल जंक्शन है, इंजीनियरिंग पाठशाला है, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के वालों बच्चों के लिए इंजीनियरिंग अन अकेडमी फाउंडेशन नया चैनल ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है. तो यार देखो बेटा, सबसे पहले अगर आपको मेजरमेंट का कोर्स फटाफट से प्लस पे करना है, अगर आप चाहते हो कि ऑलरेडी आपका फटाफट से अनअकैडमी प्लस पर जल्दी से कोर्स हो जाए, जल्दी जल्दी कोर्स करना चाहते हो क्योंकि 3 महीने बच रहे हैं अनअकैडमी प्लस पर, तो यहाँ पे पार्ट वन पार्ट टू मेरे लेसन हैं, 22 एंड 42 लेसन. दिस इज पार्ट वन ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड दिस इज पार्ट टू फॉर मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन. और ये पूरा का पूरा ईसी वालों के लिए एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एप्लीकेबल है, और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे, इंस्ट्रूमेंटेशन IN, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल है. तो अगर आप चाहते हो कि फटाफट से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए मेजरमेंट का, अगर आप चाहते हो 15 दिन में 4 घंटे रोज देके, अगर आप सब्जेक्ट खत्म करना चाहते हो 60 आवर्स का 15 डेज में 4 आवर्स पर डे, तो जल्दी से प्लस सब्सक्राइब करो. हैशटैग आपको मतलब है गेट लाइव डेली, हैशटैग ऊपर दे रखा है गेट लाइव डेली, और कोड क्या है बेटा? प्रमीट10, प्रमीट10 आपको कोड लगा देना है सब्सक्रिप्शन के लिए. To get subscription to an academy, you just have to apply the code PRAMEET10 to get the subscription done for 10% discount. अगर आपको 10% discount चाहिए an academy पर, तो आपको code लगाना पड़ेगा PRAMEET10. PRAMEET10 is the code. ये आपकी चाबी है gate की, ठीक है ना? चलिए, अगर आप मेरी special classes attend करना चाहते हैं, these are the free initiatives बेटा. These are the free special classes, free live classes. अगर आप मेरी free live classes या recorded classes देखना चाहते हैं, you can watch it recorded also. Special या live classes देखना चाहते हैं signal system के लिए, तो मेरे SS01 से लेकर SS64 तक सारे special classes में signal system पूरा record कर दिया है और बहुत बेहतरीन तरीके से record किया है, जिसके अंदर मैंने advanced topics भी जोड़ दिए हैं, discrete time, Fourier series, DFT, FFT और filter. तो जल्दी से यार Unacademy मेरी special classes attend करो, और जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों जिनको सिग्नल सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, जिनको लाप्लास समझ में नहीं आता, जिनको फूरियर ट्रांसफॉर्म समझ में नहीं आता, जिनको समझ में नहीं आ रहा स्टेप रैंप इंपल्स क्या हो रहा है, 0.5 कहां पर हो रहा है, इंपल्स सिग्नल क्या है, कॉन्वोल्यूशन क्या है, डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन क्या है, और सबसे बात पीरियोडिक कॉन्वोल्यूशन क्या है, वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा. तो अगर पढ़ना हो तो जल्दी से अनअकैडमी पे आ जाओ, ठीक है? और यार सेशन को लाइक जरूर करते रहो, सेशन को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है ना? चलो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट बात करते हैं. आज का हमारा टॉपिक जो है एमीटर्स, वोल्टमीटर्स. हाँ बेटा, मुफ्त में मिलता है सब, फ्री में है. अनअकैडमी पे अगर स्पेशल क्लासेस अटेंड करोगे वो तो फ्री है ना. अनअकैडमी पे जो स्पेशल क्लासेस है वो तो फ्री है ना बेटा, इसका कोई कॉस्ट थोड़ी है, ये तो फ्री है ना. दिस इज फ्री बेटा, इसका कोई कॉस्ट नहीं होता निवेदिता, ठीक है? चलो चलो, आज का टॉपिक है हमारा एमीटर्स, वोल्टमीटर्स एंड ओममीटर्स, और हम डिस्कस करेंगे एमीटर्स. हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, आज हम डिस्कस करेंगे वोल्टमीटर्स एंड ओममीटर्स. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? चलिए तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, चीजों के बारे में बात करते हैं. चलो आ जाओ, सबसे पहले वोल्टमीटर की बात करते हैं. सबसे पहले वोल्टमीटर की बात करते हैं. चलिए, सेशन को लाइक कर दो यार, सेशन को लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने भी जब भी आप सेशन में लाइव हो, सेशन को लाइक जरूर कर दिया करो. जब भी सेशन में लाइव आओ, सेशन को लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है ना? इतना तो आप ठीक है. चलो, नाउ वी मूव टू द टॉपिक वोल्टमीटर्स. आज हम वोल्टमीटर्स की बात करेंगे कि वोल्टमीटर्स क्या होता है. देखो ध्यान से, चलिए
चलो वोल्टमीटर्स की बात कर लेते हैं। देखो बात समझो, कल मैंने एक आपको एमीटर पढ़ाया था और उसी पीएमएमसी मीटर से हम वोल्टमीटर कैसे बनाएंगे वो देखिए, उसी पीएमएमसी मीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाना है। ये आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट था जो करंट मेजर कर रहा था, मुझे इसी से वोल्टेज बनाना है तो मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, ठीक है, क्या लगा दी, बैटरी। तो यहाँ पे जितना भी करंट फ्लो होगा इस मीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ये पीएमएमसी या मूविंग, ये पीएमएमसी या मूविंग आयरन मीटर है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा क्योंकि मीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो करंट इज गिवन बाय वी अपॉन आर एम, यहाँ पे आर एम क्या है बेटा, मीटर का रेजिस्टेंस। बात समझना ध्यान से, आर एम क्या है, मीटर का रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज को मैं क्या लिख सकता हूं, आई इंटू आर एम, वोल्टेज को मैं बोलता हूं आई इंटू आर एम। इसका मतलब आर एम की वैल्यू मुझे नोन है, आर एम तो नोन है मुझे, इफ आर एम इज नोन एंड आई इज ऑब्जर्व, आई क्या है ऑब्जर्व, इसका मतलब क्या है, वी कैन मेजर वोल्टेज अक्रॉस द पीएमएमसी मीटर। अगर मुझे आर एम और आई पता हो तो मैं पीएमएमसी के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर सकता हूं। सो देयरफॉर वी कैन मेजर वोल्टेज अक्रॉस पीएमएमसी मीटर, वी कैन मेजर वोल्टेज अक्रॉस पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं, मैंने क्या बोला, मैंने तो करंट का ही मीटर लगाया है पर ये वोल्टेज मेजर कर रहा है कैसे। फॉर एग्जाम्पल मान लो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपका मीटर था, ये कल भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये आपका सिंपल मीटर था पीएमएमसी मीटर, ठीक है। इसकी कुछ ना कुछ रेंज होती है और रेंज कहां से कहां तक है, रेंज कहां से कहां तक है, 0 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर, 0 मिली एम्पियर से पुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है मीटर का, 10 मिली एम्पियर, ये स्केल है, ठीक है ना। और पॉइंटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे रहा है नहीं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन पीएमएमसी मीटर का है 10 मिली एम्पियर, मीटर का रेजिस्टेंस मैंने यहां पे मान लो 100 ओम ले लिया, क्या ले लिया 100 ओम। मैं चाहता हूं कि ये पीएमएमसी मीटर वोल्टेज मेजर करे, मैं चाहता हूं कि ये पीएमएमसी मीटर वोल्टेज मेजर करे, तो वोल्टेज कैसे मेजर करेगा, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर ऐसे सप्लाई लगा दूं वोल्टेज वी, दिस इज वोल्टेज वी। मान लो अगर मैंने कहा कि ये वोल्टेज 1 वोल्ट है, क्या कहा 1 वोल्ट है, अभी अज्यूम कर लो कि मैंने कहा है 1 वोल्ट है, तो यहां पे कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा इस मीटर में, कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा और वो करंट कितना फ्लो होगा 10 मिली एम्पीयर, ये तो सबको पता है क्योंकि मीटर का करंट क्या है 10 मिली एम्पीयर। तो आई क्या लिखोगे, वी अपॉन आर, वी कितना है 1 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, इसका मतलब क्या है 10 मिली एम्पीयर, करंट मेजर कर रहा है नहीं कर रहा है, यानी 10 मिली एम्पीयर जब एमीटर करंट डिफ्लेक्ट करेगा तो वोल्टेज कितना शो कर देगा 1 वोल्ट, यानी मैं इस 10 मिली एम्पीयर की जगह यहां पर 1 वोल्ट भी लिख सकता हूं, इस 10 मिली एम्पीयर की जगह यहां पर 1 वोल्ट भी लिख सकता हूं। दैट मींस व्हेन द पॉइंटर गोज टू द एक्सट्रीम राइट पोजीशन यानी फुल स्केल वैल्यू, सो आई कैन राइट 1 वोल्ट इंस्टीड ऑफ 10 मिली एम्पीयर। क्या बोला मैंने, मैंने बोला इफ पॉइंटर गोज टू एक्सट्रीम राइट पोजीशन so we can write 1 volt instead of 10 milliampere। तो मैंने कहा कि PMMC वोल्टेज भी मेजर कर सकता है, तो आप बात समझना, अभी पॉइंटर कहां डिफ्लेक्ट कर रहा है, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर, पॉइंटर जो है लेफ्ट पोजीशन पे भी डिफ्लेक्ट कर सकता है और सेंटर पोजीशन पे भी डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो V की क्या वैल्यू होगी जब पॉइंटर सेंटर में डिफ्लेक्ट करे, यानी 0 टू 10 milliampere मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मैं कह रहा हूं कि 5 मिली एम्पीयर पे डिफ्लेक्ट करना चाहिए, अगर मैं कह रहा हूं कि 5 मिली एम्पीयर पे डिफ्लेक्ट करना चाहिए तो V की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मान लो, ये तो एक पहला एग्जांपल था, अगर V को मैं 0.5 ले लूं तो क्या ये सेंटर पे डिफ्लेक्ट कर जाएगा, इसका मतलब अगर पीएमएमसी को सेंटर पे डिफ्लेक्ट करना है तो वोल्टेज क्या शो करेगा 0.5 वोल्ट इंस्टीड ऑफ 10 मिली एम्पीयर, वो क्या शो कर देगा 5 मिली एम्पीयर और वोल्टेज क्या दे देगा 0.5 वोल्ट। बात समझ में आती है, चलो अब देखो समझो, इसका मतलब यह है अगर V की वैल्यू में ले लेता 0.5 वोल्ट तो करंट कितना हो जाता, देखो बात समझो, डायग्राम वापस से बना देता हूं क्योंकि सेंटर पोजीशन मुझे दिखाना है आपको, देखो समझो, ये आपका सिंपल मीटर था, ये आपको पता ही है 10 मिली एम्पीयर है, ये 0 मिली एम्पीयर है,
ठीक है, और बीच में मैंने ले लिया 5 मिली एम्पियर, कितना ले लिया सेंटर पोजिशन 5 मिली एम्पियर, दिस इज द सेंटर पोजिशन ऑफ द मीटर। और मैंने कहा कि मैंने इसको कनेक्ट कर दिया वोल्टेज से, और वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट, वोल्टेज इज 5 वोल्ट, V की वैल्यू कितनी है 0.5 वोल्ट। ये मीटर आपका वही का वही है जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना है 10 मिली एम्पियर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है 10 मिली एम्पियर। लेकिन मुझे तो यहां पर भाई मैं थोड़ी मना कर रहा हूं कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट नहीं है, लेकिन मुझे तो करंट मेजर करना है ना, तो करंट कैसे मेजर करेंगे, करंट कैसे मेजर करेंगे, 0.5 वोल्टेज है, इस मीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है 100 ओम, तो यहां पे लिख देंगे 100 ओम। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 मिली एम्पियर। इसका मतलब ये हो गया कि जब ये सेंटर पोजीशन में डिफ्लेक्ट करेगा 10 की जगह जब सेंटर पोजीशन में डिफ्लेक्ट करेगा तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 वोल्ट। तो आप ऐसा लिख सकते हो पॉइंटर विल बी इन सेंटर, पॉइंटर विल बी इन सेंटर, सो इंस्टीड ऑफ राइटिंग फाइव मिली एम्पियर वी कैन राइट 0.5 वोल्ट, वी कैन राइट 0.5 वोल्ट। तो वोल्टेज मेजर कर लेगा नहीं कर लेगा, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब यह है अगर मैं इस पीएमएमसी मीटर से वोल्टेज मेजर करना चाहता हूं अलग अलग रेंज पर, तो मुझे बार बार मीटर का रेजिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा। सो इफ आई वॉन्ट टू चेंज द रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर देन वी हैव टू चेंज आर एम। इससे बात क्या निकल के आई, बात यह निकल के आई इफ वी वॉन्ट टू चेंज रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि आरएम पे डिपेंड कर रहा है ना, देन वी हैव टू चेंज आरएम। मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, आरएम की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, बात समझ में आ रही, क्या चेंज करना पड़ेगा, आरएम को चेंज करना पड़ेगा। चलो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा ये बात, क्लियर है, ठीक है ना, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, मान लो मुझे 10 वोल्ट मेजर करना है, मान लो मुझे 10 वोल्ट मेजर करना है, तो एमिटर के अंदर आप क्या करते थे, जब एक्सटेंशन ऑफ द रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट करते थे तो आप एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते थे, शंट रेजिस्टेंस लगा देते थे, ठीक है ना। यार कुछ कमेंट्स का जवाब देता हूँ, स्पार्क लेजेंडरी बोल रहा है सर हम आपको फॉलो करते हैं, अच्छी बात है यार, स्पार्क बोल रहा है कि यू आर अमेजिंग सर, ठीक है यार अमेजिंग हूँ, मुझे आज ही मालूम पड़ा कि मैं अमेजिंग हूँ, उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि मैं अमेजिंग हूँ, थैंक यू यार, थैंक यू फॉर द कमेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ओके। सो दोज़ हु आर जस्ट हॉपिंग इन जो अभी अभी लाइव आए हैं उनको बोल दूं मैं प्रणाम नमस्ते जय हिंद, स्वागत है आपका क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल पर, और जल्दी से यार इसके लाइव लर्नर्स बढ़ाओ, यहाँ पे ओनली 40-42 पीपल लाइव चल रहा है, इसको 60 तो करो कम से कम, इतना अच्छा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, बताओ मेजरमेंट को, कोई मेजरमेंट को बोरिंग से पढ़ाएगा, मैं आपको इतना एनर्जेटिक तरीके से चिल्ला चिल्ला के मेजरमेंट पढ़ा रहा हूँ, और वो भी कंसेप्चुअल, ठीक है ना, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है मेजरमेंट, फिर भी इसको हम एनर्जी वाइज पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा शेयर करना बनता है यार, शेयर करना तो बनता ही है, ठीक है, नहीं हंसने से तो काम चलेगा लेकिन थोड़ा शेयर करना तो बनता ही है, एजुकेटर की इतनी मदद तो तुम कर ही सकते हो। मान लो रेंज चेंज करनी है, रेंज चेंज करनी है ना, रेंज चेंज करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तुमको पता है वोल्टमीटर के केस में सीरीज रेजिस्टेंस होता है, और एमिटर के केस में अगर एक्सटेंड करना है तो शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। मान लो अगर मुझे 10 वोल्ट मेजर करना होता, समझना बात, सपोज ये सारा का सारा काम आएगा अभी जब अपन पीएमएमसी इलेक्ट्रोडायनेमिक गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे तब सब कुछ काम आएगा। सपोज वी नीड टू मेजर अप टू 10 वोल्ट, मान लो 10 वोल्ट मेजर करना है, मान लीजिए, तो मैं क्या करूंगा, डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम में लिखूंगा 10 वोल्ट, यहां पे एक मीटर लगाएंगे अपन, उस मीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस अपन ने क्या मान रखा है 100 ओम, इस मीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट अपन मान लेते हैं 10 मिली एम्पियर। तो यहां पे अगर मुझे एक्सटेंड करनी है रेंज तो एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, दिस इज द सीरीज रेजिस्टेंस, और यहां पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट तो आपको पता ही है कितनी है 10 मिली एम्पियर, कितनी है 10 मिली एम्पियर। सीरीज रेजिस्टेंस, दिस इज नोन एज द मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस या मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। तो टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ वोल्टमीटर वी कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द मीटर, या इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर,
या स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा जब एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा कि स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस मैग्नीन का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, किसका बनना चाहिए। थैंक यू यार शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। अब मान लो मुझे 10 वोल्ट मेजर करना है और मीटर से तो 10 मिली एम्पियर ही फुल स्केल करंट डिफ्लेक्ट हो सकता है, तो मैं इसको लिखूंगा क्या? अगर लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं Rm प्लस Rs इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज अपॉन कितना है? 10 वोल्ट अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना है? 10 मिली एम्पियर। तो ये आपका हो गया 1, और मिली को ऊपर ले जाओगे तो किलो ओम। Rm की वैल्यू आपको पता ही है, तो Rs क्या लिखोगे? Rm आपको पता ही है ना, 100 प्लस 1 किलो ओम। सो Rs विल कम आउट टू बी 1000 माइनस 100 एंड दैट इज 900 ओम। तो अगर मैंने सीरीज में 900 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो वही वोल्ट मीटर जो 1 वोल्ट या 0.5 वोल्ट मेजर कर रहा था वो कितना मेजर करने लग जाएगा? 10 वोल्ट। लेकिन मीटर वही है, अभी भी क्या लिया है मैंने? पीएमएमसी। यानी ये 10 वोल्ट मेजर कर रहा है फिर भी मेरा पीएमएमसी 10 मिली एम्पियर ही मेजर कर रहा है। मेरा एमिटर जो है वो तो 10 मिली एम्पियर ही मेजर कर रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन उसका 10 मिली एम्पियर है, ठीक है। लेकिन अब मेरा वोल्ट मीटर 10 वोल्ट मेजर कर रहा है क्योंकि मैंने सीरीज रेजिस्टेंस लगा दिया 900 ओम का। तो इसी को रेंज को एक्सटेंड करके मैं बोलता हूँ मल्टी रेंज वोल्टमीटर क्या होता है, यानी अलग अलग सीरीज रेजिस्टेंस में लगाता जाऊंगा और वोल्टमीटर की रेंज चेंज होती जाएगी, दैट इज नोन एज मल्टी रेंज वोल्टमीटर। तो वो कैसे काम करता देखो, यहां तक सबको क्लियर है एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी अप टिल हियर? बहुत बेसिक सी बात थी, सबको पता ही होता है कि वोल्टमीटर क्या होता है। एक्सटेंड सीरीज रेजिस्टेंस लगाते हैं, एमिटर में शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं एक्सटेंशन ऑफ द रेंज के लिए, वोल्टमीटर में सीरीज रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है ना, बेसिक सी बात है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट इज मल्टी रेंज वोल्टमीटर। नेक्स्ट इज मल्टी रेंज वोल्टमीटर्स। तो मल्टी रेंज वोल्टमीटर का मतलब अलग अलग सीरीज रेजिस्टेंस होंगे, अलग अलग सीरीज रेजिस्टेंस होंगे। निश्चय शक्ति, मैं आपका सारा लेक्चर फॉलो कर रहा हूं, थैंक यू सर, थैंक यू निश्चय शक्ति, थैंक यू। ओके, अब देखो बात समझो, मान लो मुझे रेंज एक्सटेंड करनी है 3, 0 टू 1, 0 टू 10 और 0 टू 100। फॉर एग्जांपल मान लो वी हैव अ पीएमएमसी मीटर, फॉर एग्जांपल वी हैव अ पीएमएमसी मीटर, इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट तो मैंने मान लिया 10 मिली एम्पियर, आरएम रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम मान लिया, और मल्टी रेंज वोल्टमीटर से रेंज क्या क्या चाहिए मुझे? अलग अलग रेंज चाहिए। रेंज क्या क्या चाहिए? एक तो मुझे रेंज चाहिए 0 टू 1 वोल्ट, दूसरी मुझे रेंज चाहिए 0 टू 10, और तीसरी मुझे रेंज चाहिए 0 टू 100 फॉर एग्जांपल। ये मुझे तीन रेंजेस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डायग्राम बनाऊंगा और क्या करूंगा, यहां पे लगाएंगे एक वोल्टेज, वोल्टेज को एक बार 1 लेंगे, एक बार 10 लेंगे, एक बार 100 लेंगे, अलग अलग रेंज ले लेंगे। यहां लगा देंगे एक मीटर जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आपको पता है 10 मिली एम्पियर, और मीटर का रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 100 ओम, और तीन सीरीज रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक R1, एक लगा देते हैं R2, तीन रेंज एक्सटेंड करनी है ना, और एक लगा देते हैं R3, तीन रेंज एक्सटेंड करनी है मुझे, एक ये, एक ये, एक ये, और एक स्विच लगा देते हैं, ठीक है, और इसको जोड़ देते हैं। ये हो गया आपका स्विच, तो ये तीनों से जुड़ सकता है, आपको तो पता ही है ये तीनों से जुड़ सकता है, दिस इज द स्विच, दिस इज द स्विच। दूसरी बात, ये तीन रेंजेस है 1 वोल्ट 10 वोल्ट, तो इसको मैंने नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल दिस इज R1 रेजिस्टेंस, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। इस पोजीशन का नाम है P1, इस पोजीशन का नाम P2, इस पोजीशन का नाम P3, और मैंने बोला कि 1 वोल्ट रेंज इसके लिए, 10 वोल्ट रेंज इसके लिए और 100 वोल्ट रेंज इसके लिए, ठीक है। तो एक बार स्विच पोजीशन नंबर 1 पे कनेक्ट हो सकता है, एक बार 2 पे कनेक्ट कर लेंगे, एक बार 3 पे कनेक्ट कर लेंगे, एक बार 1 पे कनेक्ट करेंगे, एक बार 10 वोल्ट पे, एक बार 100 वोल्ट पर, ठीक है बेटा। मैं ओम मीटर पूरा कराऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी ओम मीटर मैं ऐसा करा दूंगा आपको मजा आ जाएगा कि ये भी कुछ ओम मीटर है क्या। आपने सोचा होगा ओम मीटर रेजिस्टेंस मेजर करता है, लेकिन अभी जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार ये क्या चीज पढ़ा दी साइड। तो मैं आपको इतना खतरनाक कंसेप्ट दे दूंगा ओम मीटर में कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो टेंशन मत लो हेमराज मीना तुम बिल्कुल भी, और ठीक है चिल करो, चिल हो जाओ, चिल चिल यार, सिंपल बोलते हैं ना भाषा में, चिल यार, तो चिल हेमराज, डोंट वरी, जस्ट बी इजी।
चलो अब बात समझते हैं, पोजीशन नंबर वन, पोजीशन नंबर टू, पोजीशन नंबर थ्री, एक एक अलग अलग पोजीशन पे देखते हैं क्या क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले पोजीशन नंबर थ्री को ले लेते हैं, पोजीशन नंबर थ्री को ले लेते हैं। पोजीशन नंबर थ्री का मतलब वोल्टेज कितना हो गया, 100 वोल्ट। दैट इज वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन दीज टू टर्मिनल, इन दो टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज है वो कितना लगा दिया मैंने, 100। करंट तो तुमको पता ही है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होती है, उसको तुमने बोला ये 10 मिली एम्पियर, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आर एम और आर थ्री अब सीरीज में हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, आर वन आर टू तो ओपन रहेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, यू कैन राइट इट लाइक दिस, आर एम प्लस आर थ्री इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट दैट इज 100 वोल्ट डिवाइड बाय 10 मिली एम्पियर। सो दिस इज 100 अपॉन 10 मिली एम्पियर, दिस विल बिकम 10 और मिली ऊपर जाके किलो ओम, ठीक है। नाउ दिस आर एम इज 100, यू नो दैट दिस इज 100 प्लस आर थ्री इज इक्वल्स टू 10 किलो ओम। सो दिस आर थ्री बिकम्स 10,000 माइनस 100 एंड दैट इज 9,900, तो ये हो गया 9.9 किलो ओम। 9.9 इसको लिख लेना, 0.1 किलो ओम, 10 किलो ओम माइनस 0.1 किलो ओम, दैट इज 9.9 किलो ओम। यानी अगर आपने सीरीज रेजिस्टेंस 9,900 ओम का लिया तो ये वोल्ट मीटर 100 वोल्ट मेजर करेगा। ये बात समझ में आती नहीं आती, सिंपल सा लॉजिक है। That is the 100 volt applied between these two terminals. ये आपका मीटर था ना, ये आपका PMMC मीटर है ना, जिसके अक्रॉस आपने 100 volt लगाया, ठीक है। Second condition ले लेते हैं, second condition ले लेते हैं, great हो सर, ये chill bro में तूने emojis क्या लगाया यार, आइसक्रीम भेज रहा है क्या भेज रहा है, ये छोटू कुशवाहा क्या भेज रहा है emojis में यार, आइसक्रीम भेज रहा है यार, मतलब ये तो पानी, अच्छा शरबत के ग्लास भेज रहा है क्या, शरबत विद प्रमित सर, कॉफी विद करण होता है ना उसी तरीके से होता है, शरबत विद प्रमित सर ऐसा कुछ। फॉर पोजीशन नंबर टू वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, करंट कितना है 10 मिली एम्पियर, सबको मालूम है, और रेजिस्टेंस क्या है पोजीशन नंबर टू के लिए, आर टू प्लस आर एम, ये सीरीज में हो जाएगा। हाँ बेटा आप जूस ही पियेंगे ना और तो क्या बचा है जीवन में, आर टू प्लस आर एन इक्वल टू 10 अपॉन 10 मिली एम्पियर, तो ये हो गया 1 किलो ओम, आर एम आपको पता है 100 होता है, तो आर टू कितना हो गया 1000 माइनस 100 यानी 900, तो ये हो गया 0.9 किलो ओम, ठीक है 0.9 किलो ओम। अब तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा आप कमेंट सेक्शन में क्या टाइप कर रहे हो ना, क्योंकि ये वर्ड्स मुझे समझ में ही नहीं आते एक्चुअली, ऑफिशियल चैनल है ना। तो फॉर पोजीशन नंबर वन एक बार ध्यान से सुन लो यार, अब देखो वी की वैल्यू कितनी है 1 वोल्ट, वी की वैल्यू कितनी है 1 वोल्ट, आर वन और आर एम सीरीज में है, आर वन और आर एम सीरीज में, करंट अभी भी 10 मिली एम्पियर है, तो आप क्या लिखोगे, आर वन प्लस आर एम इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 मिली एम्पियर, यानी 0.1 किलो ओम हो गया, ये 0.1 किलो ओम का मतलब 100 ओम हो गया ना ऊपर जाके, 10 रे टू पावर 3 1 बाय 10 100 हो गया। ठीक है आर एम की वैल्यू 100 है, आर एम की वैल्यू कितनी है 100, तो आर वन कितना हो गया 0, R1 is 0, that means no series resistance required for the range 1 volt. That means the meter is sufficient, the meter resistance is sufficient to give the voltage equal to 1 volt. इसका मतलब ये है, meter का resistance ही sufficient है 1 volt देने के लिए, उसके लिए कोई extension range नहीं चाहिए, कोई series resistance, multiplier resistance नहीं चाहिए। इसका मतलब अगर मैं diagram वापस से बनाऊं, अगर मैं diagram वापस से बनाऊं तो क्या होगा, देखो ये आपका voltmeter था, मतलब वोल्टेज मेजर कर रहे हो, यहां पे आपका मीटर हो गया और आपने तीन रेजिस्टेंस लगाए थे, तो R1 तो आपका 0 है तो इसको तो शॉर्ट कर दो, ये आपका R2 हो गया और ये आपका R3 हो गया, ये तीन पोजीशंस थी आपकी P1 P2 P3 और ये आपका स्विच था, ऐसी कुछ था, ऐसी कुछ था, ये आपका था 1 वोल्ट 10 वोल्ट और 100 वोल्ट, ये R2 है और R2 की वैल्यू आपने निकाली 0.9 किलो,
आर थ्री आपने निकाला 9.9 किलो ओम, और यहां पर जब ये शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब क्या है, आर वन की वैल्यू जीरो, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया सिंपल सी भाषा में कि आर वन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, दैट मीन्स मीटर रेजिस्टेंस इज सफिशियंट टू गिव वन वोल्ट, मीटर रेजिस्टेंस आर एफ इज इनफ टू गिव वन वोल्ट, ठीक है। दूसरी बात क्या है, आर टू इज इक्वल टू 0.9 किलो ओम टू गिव 10 वोल्ट रेंज। सिमिलरली तीसरी बात है कि जब आर थ्री की वैल्यू आप 9.9 किलो ओम लेंगे तो ये 100 वोल्ट दे देगा, कितना दे देगा 100 वोल्ट। ठीक है यार बेटा कोई बात नहीं, ठीक है चलो आ जाओ। R1 की वैल्यू जीरो है यानी 1 वोल्ट दे देगा, उसके लिए कोई मीटर रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखो यहाँ पर आप देखो वोल्टमीटर के केस में कोई राइट एंड शंट जैसा कुछ नहीं चाहिए, जैसे मैंने बोला था ना प्रॉब्लम होती है स्विच चेंज ओवर की। थैंक यू फॉर यूजिंग सिंगल हिंदी सर, आई एम तेलुगु गाय, आई डोंट नो हिंदी बट आई एम एबल टू फॉलो योर क्लासेस, थैंक यू वेरी मच, बाय द वे यू आर सुपर कूल। अरे यार थैंक यू सो मच यार, इतना अच्छा कमेंट लिख दिया यार इसने तो, प्रनीत चिंतापली, ओके थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग, थैंक यू सो मच। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज लिसन टू मी केयरफुली, यहां पर दिस इज 1 वोल्ट 10 वोल्ट एंड दिस इज 100 वोल्ट, सो व्हाट आई एम सेइंग रेंज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ वोल्टमीटर में स्विच चेंज ओवर का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती स्विच चेंज ओवर में, क्यों, क्योंकि अगर आप 1 वोल्ट से हटा के 10 वोल्ट पे लगाओगे तो सर्किट तो ओपन हो जाता है, एमीटर में क्या होता था सर्किट ओपन नहीं होता था, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ राइट एंड शंट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ राइट एंड शंट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज व्हेन द स्विच इज चेंजिंग फ्रॉम 1 वोल्ट रेंज टू 10 वोल्ट रेंज बिटवीन दैट पॉइंट द सर्किट इज ओपन सर्किट, सो द करंट फ्लोस थ्रू, देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द मीटर विल नॉट डैमेज, तो यहां पर मीटर डैमेज नहीं होगा, स्विच चेंज ओवर के टाइम पर कोई भी मीटर डैमेज नहीं होगा, पर एमीटर के केस में क्योंकि वहां शंट लगा रहता है वहां पे मीटर डैमेज हो जाता है, इज इट क्लियर और नॉट, वहां पर मीटर डैमेज हो जाता है, यहां पर मीटर डैमेज नहीं होगा, तो ड्यूरिंग स्विच चेंज ओवर ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग ड्यूरिंग स्विच चेंज ओवर, ड्यूरिंग स्विच चेंज ओवर मीटर विल नॉट डैमेज, मीटर विल नॉट डैमेज, क्यों, क्योंकि स्विच चेंज ओवर के टाइम पे सर्किट ओपन सर्किट हो जाता है, सिंस द सर्किट बिकम्स ओपन सर्किटेड, सिंस द सर्किट बिकम्स ओपन सर्किटेड, दूसरी बात मैंने आपसे कहा था एमिटर हमेशा शंट में लगता है, दैट मींस आई वांट टू से द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, द वोल्टमीटर इज ऑलवेज जस्ट एमिटर, इफ यू वांट टू मेजर द करंट यूजिंग एमिटर यू हैव टू प्लेस एन एमिटर इन सीरीज इन द ब्रांच एंड द शंट इज कनेक्टेड अक्रॉस द एमिटर, बट इन केस ऑफ वोल्टमीटर इफ यू वांट टू मेजर द वोल्टेज यू हैव टू कनेक्ट द वोल्टमीटर इन पैरेलल विद दैट ब्रांच एंड द सीरीज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड in series with the meter, ठीक है? So, what I want to say, if you want to measure a voltage, for example, there is a battery E. If you want to measure the voltage of this battery E, what you connect? You connect a voltmeter like this. So, this voltmeter measures voltage E. Simple सा logic है. इसका कुछ ना कुछ resistance भी होगा. पर मान लो diagram ऐसा होता, ये battery होती. ये रेजिस्टेंस होता, एक और रेजिस्टेंस होता, एक और हम रेजिस्टेंस बना देते हैं ऐसे और ऐसे. इफ आई वांट टू मेजर द वोल्टेज बिटवीन दिस रेजिस्टेंस, इफ आई वांट टू मेजर फॉर एग्जांपल दिस इज आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, इफ आई वांट टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस आर फोर, सो व्हाट आई हैव टू डू, वी हैव टू कनेक्ट अ वोल्टमीटर अक्रॉस आर फोर,
we have to connect the voltmeter across our board. So before the voltmeter is connected using ideal conditions, network analysis में आप क्या करते हो, अगर R4 का वोल्टेज निकालना है तो आप क्या करते हो, यहाँ पे करंट कैलकुलेट कर लेते हो एंड देन करंट मल्टीप्लाई बाय R4 इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस. बट इफ यू वांट टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस दिस R4, यू नीड टू कनेक्ट अ वोल्टमीटर. दैट मींस दिस वोल्टमीटर हैज आल्सो सम रेजिस्टेंस. नाउ द करंट व्हिच इज कमिंग थ्रू दिस R3 डिवाइड्स. सो इफ द करंट डिवाइड्स, द करंट डिक्रीजेस एंड द वोल्टेज अक्रॉस R4 इज मेजर्ड एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू and the measured value and there is an error. So due to voltmeter there is an error in the reading measured by across resistance R4. Is it clear or not? Ammeter mein ammeter ki resistance ki wajah se reading calculate karte the to error aata tha, but here voltmeter ki resistance ki wajah se error aayega kyunki ab current divide ho gaya hai. Baat samajh mein aa rahi hai nahi aa rahi hai? Baat clear hai bilkul. To voltmeter ki resistance ki wajah se error aa raha hai and that arises and that comes out to be an error, that is measured value minus true value. Is it clear or not? समझ में आती बात? क्योंकि resistance का current change हो गया है, तो अब voltage भी change हो जाएगा, ठीक है? Is it clear? तो मैं ये बोलने वाला हूँ, मान लो अगर यहाँ बैटरी होती, इस बैटरी का एक resistance होता है R internal, R I. For example, R internal is the resistance of the battery. And somebody told you to find the voltage between these terminals A and B. So what is the voltage? Can anybody tell me? If you want to find the voltage between the terminals A and B, what is the voltage? If you want to find the voltage between the terminals A and B, what is the voltage? What is this R internal? This is the internal resistance of the battery. Battery with internal resistance. This is the battery with internal resistance. So what is the voltage across AB? Can anybody tell me? The voltage across AB is E. अगर आप यहाँ का voltage measure करोगे तो E आएगा क्योंकि because this is open circuited, no current flows through this R internal, the voltage is E. The voltage is E. But if you want to measure the voltage between this terminal A and B, you have to use the voltmeter. तो आप क्या करोगे? ये battery है. ये battery का resistance हो गया. यहाँ पे क्या लगाओगे? दो टर्मिनल के बीच में क्या लगाओगे? यहाँ पे दो टर्मिनल हैं, इसके बीच में क्या लगाओगे? वोल्टमीटर. और जैसे ही आपने वोल्टमीटर लगाया, इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस भी आएगा. व्हाट इज आरएम? रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर. नाउ देयर इज एन एरर. नाउ देयर इज एन एरर ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर. ठीक है, ये आपने वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया. अब अगर आप वोल्टेज मेजर करोगे ए और बी के बीच में, नाउ दिस आर इंटरनल एंड आरएम इज इन सीरीज. Now this R internal and RM is in series. So what is the voltage across the? अगर यहाँ पे current calculate करना है, for example, अगर आप चाहते हो current calculate करना, तो क्या लिखोगे? E upon R internal plus RM. This is the current through the circuit. And if you want to calculate the voltage across this terminal AB, that is given by RM upon RM plus R internal into E. And that is not equal to E. So that arises due to error. That gives an error. ये क्या दे देगा? Error दे देगा. RM upon RM plus R internal into E, and that is not equals to E. So there is an error. यहाँ पे क्या देगा? Error. एक सेकेंड. चलो. ये क्या दे देगा? Error. इसकी वजह से क्या आएगा? Error. ठीक है? इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अगर आप ध्यान से समझे बात को, ये जो रीडिंग है ये क्या है? दिस इज द रीडिंग, दिस इज द वोल्टेज व्हेन द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड. दिस इज द वोल्टेज व्हेन वोल्टमीटर इज कनेक्टेड. और ये वाली रीडिंग कब है? वोल्टेज बिफोर वोल्टमीटर इज कनेक्टेड. वोल्टेज बिफोर वोल्टमीटर इज कनेक्टेड. ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बिना वोल्टमीटर के कनेक्टेड के वोल्टेज ही है, और वोल्टमीटर कनेक्ट कर दोगे तो दोनों में कुछ ना कुछ एरर आ रहा है. दोनों में कुछ ना कुछ एरर आ रहा है. लेकिन मैं चाहता हूं एरर तो आएगा ही. देखो, कुछ भी मेजर करोगे तो एरर आएगा ही आएगा. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एरर कम से कम आए, उसके लिए कंडीशन क्या है? एमीटर के केस में मैं बोलता था कि मीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए. वोल्टमीटर के केस में मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए. अगर मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा किससे?
इस पूरे नेटवर्क के इंटरनल रेजिस्टेंस से आरटीएस से या नॉर्टन से, तो वोल्टेज बराबर हो जाएगा, तो वोल्टेज बराबर हो जाएगा। बात समझ में आती है? तो देखो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख रहा हूं, अभी मैंने आपसे कहा वीएबी कितना था, आरएम अपॉन आरएम प्लस आर इंटरनल इनटू ई एंड दैट इज नॉट इक्वल टू ई, तो ये दोनों एरर दे रहे हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि एरर कम से कम आए, वी वांट एरर कि वो कम से कम आए, उसके लिए कंडीशन क्या है, दिस मीटर रेजिस्टेंस शुड बी वेरी हाई विद रिस्पेक्ट टू दैट इंटरनल रेजिस्टेंस, या आर इंटरनल शुड बी लेस देन आर एम। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एरर, व्हाट इज द एरर, ई माइनस आर एम अपॉन आर एम प्लस आर इंटरनल इंटू ई, दिस इज द एरर। सो वन माइनस आर एम अपॉन आर एम प्लस आर इंटरनल, दिस इज द एरर इंटू ई। और अगर मान लो आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो आप क्या निकलोगे, अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो आप क्या करोगे, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, तो वन माइनस आर एम अपॉन आर एम प्लस आर इंटरनल इंटू ई अपॉन ट्रू वैल्यू इज ई, यही तो निकलोगे। तो इसको क्या सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आर एम प्लस आर इंटरनल माइनस आर एम, दैट इज आर इंटरनल अपॉन आर एम प्लस आर इंटरनल। और मैं आपसे बोल ही रहा हूं कि आर एम की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए आर इंटरनल से, आर एम की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए आर इंटरनल से, ठीक है ना, क्लियर है बात को, समझ में आ रही बात। तो ये हो जाएगा आर इंटरनल अपॉन आर एम, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि एरर कम से कम हो, इसका मतलब आर इंटरनल की वैल्यू आर एम से ज्यादा होनी चाहिए, कि मीटर का रेजिस्टेंस आर इंटरनल से ज्यादा होना चाहिए, क्लियर है बात। चलो तो वोल्टमीटर के केस में जो आपका मीटर है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, वोल्ट, और एमीटर के केस में जो मीटर का रेजिस्टेंस है वो कम होना चाहिए। तो आइडियली मैं ऐसा बोल सकता हूं, आइडियली कंक्लूजन ये है, अ वोल्टमीटर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस, अ वोल्टमीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, आइडियली तो यही बोलेंगे। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि आरएम की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए आइडियली, और प्रैक्टिकल में मैं कहता हूं कि आरएम की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए, प्रैक्टिकली मैं कहता हूं कि आरएम की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए, किससे, इस पूरे नेटवर्क के थेवेनिन रेजिस्टेंस से या इस पूरे नेटवर्क के नॉर्टन रेजिस्टेंस से। इसका मतलब यह है आरएम की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए, जितना भी यहां आरटीएच या आरएन लगा है उसकी मदद से, आरएम की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए किससे, जो भी आरटीएच या आरएन वहां पे लगा हुआ है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही सबको, चलो क्लियर है। तो एमीटर के केस में मैंने बता दिया क्या होना है, वोल्टमीटर के केस में भी मैंने बता दिया क्या करना है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। नाउ वी स्टार्ट ओममीटर, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल करेंगे। नाउ वी स्टार्ट ओममीटर, ओममीटर क्या होता है, देखो एक बार ध्यान से देखो, ओममीटर एक बार ध्यान से देख लेना क्या होता है, समझो बात, और इसके सारे न्यूमेरिकल अपन करेंगे जब अपन पढ़ेंगे ना पीएमएमसी रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह, तब आपको मैं सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, लेकिन मैंने अभी बेसिक आइडिया दे दिया कि एमीटर और वोल्टमीटर क्या होता है, ठीक है। चलो तो वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करता है, एमीटर करंट मेजर करता है। देखो मेजर तो दोनों ही करंट करते हैं, कोई मुझे बताएगा एमीटर करंट मेजर करता है और वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, एमीटर करंट मेजर करता है तो वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, कैन एनीबॉडी टेल मी, वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, दोनों करंट ही तो मेजर करते हैं, वोल्टमीटर एंड एमिटर बोथ आर करंट मेजरिंग डिवाइसेस, वोल्टमीटर वोल्टेज डिफ्लेक्ट करता है और एमिटर करंट को डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन दोनों मेजर तो करंट ही कर रहे हैं, ठीक है, बोथ आर करंट मेजरिंग डिवाइसेस, बोथ आर करंट मेजरिंग डिवाइसेस, यू आर वेटिंग फॉर द न्यूमेरिकल, हाँ तो वो तो जब आएगा तभी वेट करना पड़ेगा ना, हाँ वो तो तब जब आएगा तभी आएगा न्यूमेरिकल, तो बेटा अभी तो नहीं आएगा, अभी तो नहीं आएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। देखो मैं न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा फेमस हूँ कि हर कोई कह देता है कि प्रमीत सर न्यूमेरिकल इतना कराते हैं जिसकी हद नहीं, तो अभी जब थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो ढंग से थ्योरी पढ़ो, जब थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो ढंग से थ्योरी पढ़ो, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल के लिए इतना फेमस हूँ कि मैं इतना न्यूमेरिकल कराता हूँ कि कोई फर्क, बच्चे मतलब परेशान हो जाते हैं न्यूमेरिकल कर करके, ठीक है। मैं 3 घंटे की क्लास में 100 न्यूमेरिकल भी करा देता हूँ कभी कभार, 3 घंटे की क्लास में 100 न्यूमेरिकल कराने का रिकॉर्ड है मेरा ऑफलाइन, हाँ बच्चों के पास सारे न्यूमेरिकल थे और मैंने 100 न्यूमेरिकल करा दिया हमको। तो अगर आप बोलोगे तो मैं रोज आपको एक एक सब्जेक्ट का पूरा न्यूमेरिकल करा सकता हूँ,
अगर आपने बोला सर डिजिटल का पूरा न्यूमेरिकल करा दो एक दिन में 4 घंटे में, तो मैं आपको पूरे 20 साल के न्यूमेरिकल डिजिटल के करा दूंगा, 4 घंटे में पूरा कंट्रोल के न्यूमेरिकल करा दूंगा 20 साल में, 4 घंटे में EMFT करा दूंगा, 4 घंटे में मेजरमेंट करा दूंगा, 4 घंटे में ट्रांसड्यूसर करा दूंगा, 4 घंटे में सिग्नल करा दूंगा। पता पड़ा 7-8 दिन में आपके सारा पूरा मैंने 20 साल का न्यूमेरिकल करा दिया हर सब्जेक्ट का। वो भी पॉसिबल है, वो भी मैं कराऊंगा एक टाइम पे, वो भी मैं कराऊंगा, लेकिन वो स्पेशल क्लास पे लूंगा मैं, यूट्यूब पे नहीं लूंगा। उसके अंदर मैं पूरे न्यूमेरिकल मैं ही करा दूंगा 20 साल। तो थोड़ा सा वेट करो, अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो थ्योरी पढ़ो। अभी आप मेरे को अच्छी तरीके से जानते नहीं हो, थोड़ा थोड़ा दिन हुआ है जानते हुए, धीरे धीरे जानोगे जब पता पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने 2 ही सब्जेक्ट्स लिए हैं आपके, एक तो सिग्नल लिया है स्पेशल पर, दूसरा मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ, और ट्रांसड्यूसर तो आईएन वाले बच्चों के लिए था, ट्रांसड्यूसर तो आईएन वाले बच्चों के लिए था, ठीक है ना। चलो, सो इट इज यूज्ड फॉर, मैं थ्योरी न्यूमेरिकल सब कुछ कराऊंगा, टेंशन मत लो, यूज फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस एंड इट इज बेस्ड ऑन ओम्स लॉ, बेसिकली बी इज इक्वल टू आई आर, बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। ठीक है ना, आई इज प्रोपोर्शनल टू बी। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, यहां पे स्केल फैनल मंडालिया सिग्नल एंड सिस्टम इंग्लिश का स्टेटस, बेटा फर्स्ट आई हैव टू कंप्लीट डीएसपी, सो आई विल कंप्लीट डीएसपी इन 2-3 डेज। कल उसमें चल रहा था डिजिटल फिल्टर, यस्टरडे आई एम डिस्कसिंग डिजिटल फिल्टर्स इन दैट केस, देन आई डिस्कस एफआईआर एंड आईआर फिल्टर, देन आई गो फॉर सिग्नल एंड सिस्टम इंग्लिश बैच ऑन स्पेशल क्लासेस। सो दोज हु आर तेलुगु स्टूडेंट्स, कर्नाटका, बैंगलोर, मलयालम, केरला, उड़ीसा, व्हाट आई एम सेइंग इज सिग्नल सिस्टम शेड्यूल शुड कम on special classes English batch after 3-4 days. So I will announce it, उसका वीडियो मैं बना दूंगा और मैं आपको लिंक्स टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, आ जाएगा वो, टेंशन वाली बात नहीं, आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो उसकी मैं रोज 2 घंटा क्लास प्लान कर लूंगा स्पेशल पर, रोज 2 घंटा क्लास प्लान कर लूंगा स्पेशल पर, लेकिन उसके लिए पहले मैं देखूंगा फर्स्ट डे 2 या 3 दिन में देखूंगा, फर्स्ट 2-3 डेज आई विल चेक दैट स्टूडेंट्स आर कमिंग और नॉट फॉर द इंग्लिश बैच। If the students are coming for the English batch, then I will continue. Otherwise, I will not continue. ठीक है? So, जब भी मैं लिंक शेयर करूं उसको शेयर जरूर करना, जब भी मैं शेयर करूं उसको शेयर करना, मिनिमम 20-25 जना होगा तो भी मैं स्टार्ट करूं, 20 या 25 स्टूडेंट्स के बीच में हुआ, इफ देर आर 20-25 स्टूडेंट्स ऑन स्पेशल क्लासेस, देन आई विल स्टार्ट सिग्नल एंड सिस्टम इंग्लिश बैच, और मैं उसको 50 घंटे में कंप्लीट करा दूंगा, 50 आवर्स में कंप्लीट करा दूंगा, 25 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, डेली 2 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है, और मेरी स्पीड अच्छी रहती है तो टेंशन वाली बात है नहीं। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में तो मैं भौकाल मचा देता हूँ, मतलब सॉरी मैंने भौकाल वर्ड यूज कर लिया, ये ऑफिशियल चैनल है, यहाँ पे ये सब वर्ड यूज नहीं करना। चलो आ जाओ, ये आपका RX है जो आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है, ये आपकी बैटरी है, हाँ तो क्रेटरिक्स ज्वाइन, बेटा आपने क्रेटरिक्स ज्वाइन कर रहे हो तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर लो ना, बात तो एक ही है, क्रेटरिक्स और अनअकैडमी एक ही बात होता है बेटा, आप अनअकैडमी ज्वाइन कर लो, ऑलरेडी मर्जर हो चुका है, क्रेटरिक्स और अनअकैडमी का मर्जर ऑलरेडी हो गया फरवरी में, आपको पता ही होगा। देखो बात समझो, आप पहले मेरी बात सुन लो, काफी बात कर ली मैंने आप लोगों से, ओम मीटर के बारे में सुन लो कुछ। Now listen to me, this is the battery, this is the internal resistance of the battery, this is the unknown resistance that you want to measure, and this is the emitter. This is the emitter, that is the PMMC meter. So what I want to say, there is some current I, and that is given by E upon, that is given by E upon RX. Ek kaam karo yaar, battery hata do abhi, battery hata do. Abhi maan lo koi battery nahi, E upon RX maan lo. What is the current E upon RX, theek hai? So this RX is the unknown resistance. This RX is the unknown resistance. And this E is the known EMF. This E is the known EMF. ठीक है? So I तो observe हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? E known है, RX unknown है, तो I observe हो जाएगा. This I is what? Observed. यानी measured. So this RX is given by E upon I, that is the voltage upon current. ये तो बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन इसमें ओममीटर का क्या लेना देना है, इस डायग्राम का ओममीटर से क्या लेना देना है, ये भी तो पता होना चाहिए।
मान लो एक मीटर है जो रेजिस्टेंस मेजर करता है, मान लो ये मीटर है, ये रेजिस्टेंस मेजर करता है, इसका काम है रेजिस्टेंस मेजर करना। तो करंट और रेजिस्टेंस आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लिसन टू मी केयरफुली नाउ। नाउ द करंट एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मींस इफ रेजिस्टेंस इज जीरो द करंट इज इंफिनिटी, इफ रेजिस्टेंस इज इंफिनिटी द करंट इज जीरो। फॉर एग्जांपल दिस इज द फुल स्केल वैल्यू ऑफ करंट एंड दिस इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट दैट इज जीरो एम्पीयर एंड दिस इज द स्केल, दिस इज द स्केल। Listen to me carefully. Listen, listen, listen to me carefully. Now, what I want to say is, this is the center point. This is the center point. This is the extreme right position. This is the extreme left position. So, if the current is full scale value, if current is maximum, then the resistance should be low. That means at this point, Rx is zero. Rx is zero. And at this point, when current is zero, Rx is infinity. That means this is the direction where the resistance is increasing from right to left. This is this high full scale value represent Rx equal to zero. And this full scale value represent Rx equal to infinity. So what I want to say Rx equal to infinity means when I equal to zero. And Rx equal to 0 means when I equal to I maximum, जो भी full scale value है, जो current की full scale value है, या infinity है, उस समय Rx की value क्या होगी? 0. So it is desirable that in the ohm meter, it is desirable that extreme right side indicates Rx equal to 0. So what is desirable? It is desirable that extreme right side indicates Rx equal to 0. ये desirable condition है कि Rx equal to 0 का indicate करेगा right side. It is desirable that the extreme right side indicates Rx equal to 0. Now listen to me carefully. ये एक basic सी बात है जो मैंने आपको बता दी ohm meter के लिए. तो मुझे ये पता होना चाहिए कि Rx की value यहाँ पर क्या होगी. मुझे ये भी पता होना चाहिए कि Rx की वैल्यू सेंटर में क्या होगी, और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि Rx की वैल्यू 1/4 स्केल पे क्या होगी, सेंटर हाफ स्केल पे क्या होगी, 3/4 स्केल पे क्या होगी, फुल स्केल और इनिशियल वैल्यू तो मुझे पता है। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। मान लो ये मीटर है, ये तो आइडियल डायग्राम था। इस मीटर में कुछ ना कुछ शंट रेजिस्टेंस लगेगा, नहीं लगेगा? लगेगा। इस बैटरी का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, होगा। ये जितने भी लीड वायर्स हैं इनका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं और उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। चलिए ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? ये मेरे पीछे वाला दिख रहा है आप लोगों को? मैं थोड़ा पीछे हो गया, आप दिख रहा होगा। इट इज डिजायरेबल दैट द एक्सट्रीम राइट साइड इंडिकेट्स आर एक्स इक्वल टू जीरो। ना व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एक्स एट दिस सेंटर पॉइंट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एक्स एट दिस पॉइंट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एक्स एट दिस पॉइंट? So, the question is, what is the value of Rx at the center of the scale? ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो ये पता होना चाहिए ना। Center of scale पे Rx की value क्या होगी? ठीक है, चल मान लो एक डायग्राम आपको दे रखा है जिसके अंदर ये आर एक्स है, ये आपकी बैटरी हो गई, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया बैटरी का आर आई, ये ई। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि यहां एक मीटर है आर एम, ठीक है, दिस इज मीटर, दिस इज आर एम, मीटर रेजिस्टेंस, और ये जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए लीड्स में इनका भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको मैंने मान लिया R1, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग लीड्स या सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो दिस EI और RI इसको क्या बोलेंगे? दिस इज द बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज द बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज RX, R1 एंड दिस इज द मीटर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या-क्या कंडीशन मान ली, देखो मैंने यहां पे क्या क्या माना है। Rm is the meter resistance,
R1 क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द लीड्स, जितने भी बायर्स हैं मैंने उनका भी रेजिस्टेंस कंसिडर कर लिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो ज्यादा, रेजिस्टेंस ऑफ द लीड्स या जो भी टर्मिनल है। Rx क्या है, अननोन। तो यहां पर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया इस Rx को छोड़ के, इस Rx को छोड़ के कितना रेजिस्टेंस हो गया, Ri, R1 और Rm। तो वो टोटल सर्किट का RTH हो गया, या टोटल सर्किट का नॉर्टन हो गया, या टोटल सर्किट का R इक्विवेलेंट हो गया। तो मैंने उसको बोल दिया R इंटरनल टोटल, दैट इज बैटरी का रेजिस्टेंस प्लस R1 प्लस मीटर का रेजिस्टेंस Rm। दिस इज द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बात समझ में आ गई, ये आपका मीटर हो गया। तो सबसे पहली कंडीशन है Rx इक्वल टू जीरो मानने की, एक्सट्रीम राइट साइड क्या माना है, Rx इक्वल टू जीरो। उस समय करंट की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, जब Rx इक्वल टू जीरो है तो करंट क्या रहेगा, मैक्सिमम। तो द फर्स्ट कंडीशन इज, और मैं अज्यूम करके चल रहा हूं यहां पर, ये आपको मानना पड़ेगा, यू अज्यूमिंग दैट द एक्सट्रीम राइट साइड इंडिकेट्स Rx इक्वल टू जीरो, यू आर अज्यूमिंग दैट ये तो फिक्स है, एक्सट्रीम राइट साइड इंडिकेट्स Rx इक्वल टू जीरो। बात समझ में आती, चलो। तो पहला पॉइंट, जब Rx की वैल्यू जीरो है तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, टोटल R इंटरनल। तो मीटर में जो करंट बहेगा I, वो क्या होगा, मीटर करंट इज गिवन बाय E अपॉन Ri प्लस R1 प्लस Rm, दैट इज R इंटरनल। R इंटरनल ही तो बहेगा, R इंटरनल, इसको कैपिटल में लिखना है, स्मॉल, चलो कैपिटल में लिख लेता हूं, नहीं तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा, R इंटरनल, ठीक है। और ये जो है ये मैक्सिमम करंट है, ये क्या है, मैक्सिमम करंट, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, या इसको बोल लो I नॉट। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्यों है ये, क्योंकि Rx की वैल्यू जीरो है, क्योंकि Rx की वैल्यू क्या है, जीरो। ये आपका मीटर का करंट हो गया, निवेदिता को क्या चाहिए यार, व्हेन टीचिंग थ्योरी द डिमांड प्रॉब्लम्स एंड वाइस वर्सा, कमाल करते हो, इसे बोल रहे हो बेटा, मुझसे बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, निवेदिता आर यू टॉकिंग टू मी, क्योंकि मुझे आपकी बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती है, अगर मुझसे बात कर रहे हो, मतलब मुझे समझ में नहीं आता बच्चे क्या चाहते हैं, अगर मैं पढ़ा रहा हूं, अच्छा किसी और को भी ये प्रॉब्लम हो रही है क्या, जो मैं अभी लिख रहा हूँ, थ्योरी लिखा रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ आपको, तो पहले आप समझोगे कंसेप्ट, तभी तो न्यूमेरिकल करोगे ना, प्लीज आंसर माई व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूं कि जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं तो न्यूमेरिकल तो मैं आपको इतने कराता ही हूं ना, आपको पता ही है, कल भी मैंने न्यूमेरिकल कराए बहुत सारे, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप कंसेंट्रेट करो ना उस पर। नहीं, वो मैं समझ गया, वो बच्चों से बोल रही है, लेकिन अभी पढ़ते पढ़ते बीच में कमेंट कहां से आ जाता है, मैं ये बोल रहा हूं ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं छोड़ो। Rx इक्वल टू जीरो का मतलब है करंट मैक्सिमम है, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, अच्छा देखो मेरी स्पीड भी देखो, मैं ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहा हूं, तुमने देखा होगा प्रवीण सर ज्यादा मतलब फालतू बातें नहीं करते, लेकिन पढ़ा देते हैं, और तुम जब खत्म करते हो तो तुमने देखा होगा तुम्हारे रजिस्टर के काफी पेज भर जाते हैं, ठीक है। नहीं बेटा, ये आर, ये स्मॉल आर आई है ना, ये तो बैटरी का रेजिस्टेंस है, ये आर आई है, कैपिटल आर आई। बेटा आर आई और आर आई कैसे बराबर हो जाएंगे, ये लिखा हुआ है ना, आर आई प्लस आर वन प्लस आर एम आर इंटरनल के बराबर, ये लिखा हुआ है ना बेटा, ध्यान से देखो ना इधर, आर आई और आर आई कैसे बराबर हो जाएगा, आर वन प्लस आर एम के बराबर है ना, ये लिखा हुआ है ना, ठीक है। दूसरी बात, जब आर एक्स जीरो नहीं है तब क्या होगा, आप समझना बात। सेकंड केस, जब Rx की वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब कुछ भी है मुझे नहीं पता, पर Rx जीरो नहीं है, तो मीटर की रीडिंग क्या होगी, I इक्वल टू E अपॉन R इंटरनल था ही, उसके साथ Rx ऐड हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसी कंडीशन में, इफ
अगर आर एक्स आर इंटरनल के बराबर होता, क्या मैंने बोला, अगर आर एक्स आर इंटरनल के बराबर होता तो करंट क्या हो जाता, ई अपॉन आर इंटरनल प्लस आर इंटरनल, यानी ई अपॉन टू आर इंटरनल, और ई अपॉन आर इंटरनल किसके बराबर है, ई अपॉन टू आर इंटरनल, और अगर आप ध्यान देखो तो ई अपॉन आर इंटरनल किसके बराबर है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट डिवाइड बाय टू। बात समझ में आती है, यानी पॉइंटर अब सेंटर में आ गया नहीं आ गया, अरे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट डिवाइड बाय टू, पॉइंटर सेंटर में आ गया नहीं आ गया, अगर ये आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है तो बीच वाला आईएफएसडी डिवाइड बाय टू होगा या नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कि पॉइंटर सेंटर पोजीशन पर डिफ्लेक्ट करे तो उसके लिए कंडीशन क्या है, आर एक्स शुड बी इक्वल्स टू आर इंटरनल, ये आईएफएसडी डिवाइड बाय टू का मतलब है पॉइंटर विल बी इन सेंटर, इसका मतलब है पॉइंटर विल बी इन सेंटर पोजीशन, यानी 90 डिग्री टुवर्ड्स राइट और 90 डिग्री टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, इफ आर एक्स इक्वल टू आर इंटरनल, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, इफ आर एक्स इक्वल टू आर इंटरनल द पॉइंटर विल बी सेंटर, दैट बी 50% डिफ्लेक्शन, पॉइंटर विल गिव 50% डिफ्लेक्शन, यानी सेंटर में आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा, सेंटर। बात समझ में आती है, तो मैं आर एक्स को अज्यूम कर लूंगा कुछ, जो भी मुझे मेजर करना है सेंटर पोजिशन के लिए, आर एक्स को अज्यूम कर लूंगा सेंटर पोजिशन में जो भी मुझे मेजर करना है। बात समझ में आती है, चलो तो इसका मतलब ही हो गया, इसका मतलब हो गया, ध्यान से समझना, इसका मतलब यह है ये आपका मीटर था और यहां पे आर एक्स की वैल्यू जीरो थी, तो मैं ब्लैक से बना रहा हूं, ध्यान से देख लेना, ये आर एक्स की वैल्यू जीरो थी या आर एक्स इंफिनिटी था, और ये आपकी चार रेंजेस थे, सेंटर 1/4 और ये, तो करंट की वैल्यू क्या लिखते हैं यहां पर, यहां पे करंट लिखते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये करंट यहां पर जीरो हो गया, तो यहां पे करंट क्या होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन डिवाइड बाय 4, 1/4 ऑफ द स्केल, दिस इज हाफ ऑफ द स्केल एंड दिस इज 3/4 ऑफ द स्केल, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इसको मान लिया मैंने पोजिशन नंबर ए, इसको मैंने मान लिया पोजिशन नंबर बी, तो मैंने आपको यहां बता दिया कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे तो आर एक्स की वैल्यू जीरो होगी, मैंने ये भी बता दिया कि जब हाफ स्केल होगा तो आर एक्स की वैल्यू आर इंटरनल के बराबर होगी, ये भी बता दिया, यहां पे आर एक्स इंफिनिटी होगा, यहां पे आर एक्स जीरो होगा। अब मैं ये पूछ रहा हूं यहां पर और यहां पर आर एक्स की वैल्यू क्या होगी, पोजिशन नंबर ए एंड पोजिशन नंबर बी पर, वॉट इज द वैल्यू ऑफ आर एक्स एट पोजिशन ए एंड पोजिशन नंबर बी, पोजीशन नंबर ए पर और पोजीशन नंबर बी पर आर एक्स की वैल्यू क्या होगी, चलो बताओ, कभी तुमने ओम मीटर इस तरीके से पढ़ा जो मैंने आज पढ़ाया तुम, क्या कभी तुम लोगों ने ओम मीटर इस तरीके से पढ़ाया जैसा मैंने आज पढ़ाया तुम, तो आर एक्स इक्वल टू आर इंटरनल जो है वो सेंटर पोजीशन है, क्या है, सेंटर पोजीशन, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन की पोजीशन है, ये इनिशियल है, बताओ बताओ बताओ, ओम मीटर कभी इस तरीके से पढ़ा है तो मैं तुम्हें आज पढ़ा रहा सुमन बोल रहा है, नो सर, चलो बात समझो, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एक्स एट आई एफ एस टी डिवाइड बाय 4 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एक्स एट 3/4 आई एफ एस टी, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट, दे आर 40 पीपल लाइव एंड दे आर ओनली 4-5 पीपल हु आर कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन, कॉलेज में तो ओम मीटर पढ़ाया ही नहीं, अच्छा नहीं तो कॉलेज में तो एमीटर वोल्ट मीटर भी नहीं पढ़ाया, कॉलेज में तो कुछ पढ़ाते ही नहीं है बेटा, ठीक है, तो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एक्स एट पोजीशन नंबर ए एंड पोजीशन नंबर बी, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, लिसन 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 लिसन, यहां पे मैंने मान लिया एग्जांपल, आर इंटरनल कितना है बेटा, आर इंटरनल अपन मानते हैं आर आई बैटरी का प्लस आर वन और फिर मीटर का रेजिस्टेंस, ये मानते नहीं मानते,
और मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि जो आर इंटरनल है वो 1 किलो ओम के बराबर है। वी आर अज्यूमिंग दैट आर इंटरनल इक्वल टू 1 ओम, किसके बराबर है, 1 ओम के बराबर, ठीक है। एंड वी ऑल्सो अज्यूम दैट Rx इक्वल टू जीरो करेस्पॉन्ड्स टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट एट द पॉइंटर। क्या अज्यूम कर लिया कि Rx इक्वल टू जीरो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दे रहा है। अब देखो बात समझो, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, Rx इक्वल टू 3 इंटरनल एंड Rx इक्वल टू R इंटरनल बाय 3, बिल्कुल ठीक है। उत्कर्ष त्रिपाठी सर पीएमएमसी का कंस्ट्रक्शन भी बताएंगे, तो अभी तो पीएमएमसी आए ही था। थैंक यू निश्चय, थैंक यू निश्चय शक्ति। उत्कर्ष, उत्कर्ष इज आस्किंग अबाउट कि पीएमएमसी का कंस्ट्रक्शन बताएंगे क्या, तो पीएमएमसी पढ़ाएंगे तब बताएंगे ना, अभी पीएमएमसी पढ़ाया ही कहा है। हाँ अभी मैं पढ़ाऊंगा ना गैल्वेनोमीटर, तब बताऊंगा ना डीआर सोनल गैल्वेनोमीटर कि पीएमएमसी कैसे काम करता है। अभी पीएमएमसी कहाँ आ गया, वो तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे तब आएगा ना, अभी थोड़ी पीएमएमसी आ गया है, अभी तो एमिटर चल रहा है। हाँ अब देखो बात समझो, पहली बात बेटा 85 से ऊपर मार्क्स चाहिए, रैंक छोड़ दो, रैंक में दिमाग मत लगाओ, 85 से ऊपर मार्क्स चाहिए, 85 से ऊपर मार्क्स चाहिए, 85 अबाउ 85, 100 आउट ऑफ ग्रेटर देन 85। देखो यार फुल स्केल करंट अगर आपका होता IFSD डिवाइड बाय 4, समझ लो क्वार्टर पोजीशन के लिए, तो करंट कितना था आपका, करंट की वैल्यू थी E अपॉन R इंटरनल प्लस RX, थी या नहीं थी, ठीक। फुल स्केल करंट को और क्या लिख सकते हो आप, अगर लिखना चाहो तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को आप लिखते हो E अपॉन R इंटरनल, लिखते हो नहीं लिखते हो, लिखते हो, चलो इसको यार सब्स्टिट्यूट करो, IFSD डिवाइड बाय 4 में सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या लिखोगे 1 बाय 4 IFSD को क्या लिखोगे, E अपॉन R इंटरनल इज इक्वल्स टू E अपॉन R इंटरनल प्लस RX, तो E एंड E कैंसिल आउट, 4 इंटरनल इज इक्वल टू R इंटरनल प्लस RX, दिस बिकम्स 3 R इंटरनल इज इक्वल टू RX। इसका मतलब ये हो गया कि इस पोजीशन पे RX की वैल्यू क्या होगी, इस पोजीशन पे IFSD डिवाइड बाय 4 पर RX की वैल्यू क्या होगी, R इंटरनल, जब करंट क्या है IFSD डिवाइड बाय 4, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको 3/4 IFSD पे निकालना है, सिमिलरली इफ यू वांट टू कैलकुलेट एट 3/4 IFSD हाउ टू कैलकुलेट, अगर 3/4 IFSD पे निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो केस नंबर 2, तो व्हेन द करंट इज 3/4 या एक अच्छा इसको एक चीज और लिख लो यहां पर, अभी मैंने तुमको बताया कि RX R इंटरनल कितना लिया था 1 ओम 1 किलो ओम, तो यहां पे RX की वैल्यू कितनी हो गई, RX हो गया आपका 3, R इंटरनल कितना है 1 किलो ओम, यानी यहां पे कितना ले लिया 3 किलो ओम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आगे बात करेंगे, RX की वैल्यू कितनी ले ली 3 किलो ओम, और ये कंडीशन किसके लिए है, पोजीशन नंबर ए के लिए, फॉर पोजीशन नंबर ए, दिस इज द कंडीशन फॉर पोजिशन नंबर ए, चलो ठीक है, ये पोजिशन नंबर ए के लिए कैलकुलेट किया अपन, चलो पोजिशन नंबर बी के लिए देख लो, दिस इज फॉर पोजिशन नंबर बी, नाउ द करंट इज वॉट 3/4 IFSD, और आपको पता है करंट होता है E अपॉन R इंटरनल प्लस RX, तो IFSD कितना है E अपॉन R इंटरनल, सिग्नल एंड सिस्टम की स्ट्रैटेजी पूछनी है मेजरमेंट की क्लास में, उसमें स्ट्रैटेजी क्या है, मेरा सिग्नल सिस्टम फॉलो कर लो यार, सुमन तुम मेरा सिग्नल सिस्टम फॉलो कर लो ना यार, तुम मेरा सिग्नल सिस्टम फॉलो कर लो, किस पे अनअकैडमी स्पेशल पे, उसमें क्या दिक्कत है, तुमको वहां सब कुछ पता पड़ जाएगा, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो वहां पे मैंने स्ट्रैटेजी पूरी डिस्कस की है, उसमें क्या दिक्कत है, तुम एक बार मेरा सिग्नल सिस्टम पढ़ के देख लो, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी सिग्नल सिस्टम के लिए, सब कुछ भूल जाओगे, तुम सारी किताबें भूल जाओगे,
फोर आर इंटरनल इज इक्वल टू थ्री आर इंटरनल प्लस थ्री आर एक्स. तो फोर माइनस थ्री इज आर इंटरनल एंड दैट इज इक्वल टू थ्री आर एक्स. सो आर एक्स इज गिवन बाय आर इंटरनल डिवाइड बाय थ्री. सो दिस इज द पोजिशन. ये वो पोजिशन है जब करंट की वैल्यू 3/4 IFSD है. इसका मतलब ये हो गया कि RX कितना होना चाहिए, 1 किलो ओम डिवाइड बाय 3, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 333 ओम. अप्रोक्सीमेटली 333 ओम होना चाहिए RX की वैल्यू. 1/4 ऑफ द स्केल के लिए बता रहा हूँ, 1/4 ऑफ द स्केल के लिए बता रहा हूँ, यानी पोजिशन नंबर बी की बात हो रही है. इसकी बात हो रही है पोजिशन नंबर बी की, ठीक है. अभी तुम सैंपलिंग क्लास में हो, अच्छा तो अच्छी बात है ना. सैंपलिंग ऑफ साइनसोइडल सिग्नल्स मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, उसको पढ़ो ध्यान से. प्रॉब्लम तो यार आएगी ना, अगर तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो प्रॉब्लम तो आएगी. अच्छी बात है ना, प्रॉब्लम आ रही तो सॉल्व करो. हाँ तो लास्ट 20 ईयर्स क्वेश्चन लगाओ ना यार, क्या दिक्कत है. बिट्स एंड बाइट्स लगाओ, नोडिया लगाओ, लास्ट 20 ईयर्स क्वेश्चन लगाओ. वो 20 वाली स्ट्रैटेजी तो मैंने बताई दी आपको कि 20 क्वेश्चन रोज लगाने. अभी बता देता हूँ, अभी इसके बाद बता देता. इसका मतलब ये हो गया, मेरे पास एक स्केल है, मेरे पास एक स्केल है, समझना बात. ये आर एक्स इक्वल टू जीरो था, ये आर एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी था, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये मेरा पॉइंट था जहां पे आई एफ एस डी फुल स्केल वैल्यू थी. ये था आई एफ एस डी 3/4, ये था आई एफ एस डी डिवाइड बाय 2 एंड ये था आई एफ एस डी डिवाइड बाय 4. तो यहां पर RX की वैल्यू आपकी आ रही है, कितनी आ रही है, 3 किलो ओम. यहां RX आपका आ रहा है 1/3 किलो ओम और यहां RX तो आपको पता ही है 1 किलो ओम, यानी R इंटरनल के बराबर सेंटर पोजीशन पर, ठीक है. इसका मतलब स्केल लीनियर है, नॉन लीनियर स्केल, नॉन लीनियर है या नॉन यूनिफॉर्म है. नॉन यूनिफॉर्म स्केल इसलिए है क्योंकि देखो 0 से लेकर 333 यहां पे मेजर कर रहा है, उसके बाद 333 ओम से लेकर 3000 ओम तक इसने काफी ज्यादा रेंज दे दी. उसके बाद 3 किलो ओम से लेकर मान लो चाहे 40 हो, 50 हो, 100 हो, 7000 हो, 1000 हो, सब क्वार्टर स्केल में मेजर कर रहा है. इसका मतलब यह है स्केल क्या है, नॉन यूनिफॉर्म. इस क्वार्टर स्केल में सब कुछ मेजर कर लिया, इस क्वार्टर स्केल में मेजर कर लिया, यानी ये दोनों रेंज 1/4 और 3/4 के आगे वाली नॉन सूटेबल रेंज है. यानी जो सूटेबल रेंज है जहां पे आप करंट को मेजर कर, मतलब रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो, वो सेंटर रेंज है. वो क्या है, सेंटर रेंज. सेंटर रेंज का मतलब क्या हो गया, सेंटर रेंज का मतलब ये हो गया कि यहां पे मैंने बोला स्केल क्या है, नॉन यूनिफॉर्म. स्केल क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, या आप कहते हो नॉन लीनियर, और यू कैन से नॉन लीनियर स्केल. स्केल क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, या आप इसको बोल सकते हो नॉन लीनियर स्केल, क्योंकि सूटेबल रेंज जो है वो सेंटर पोजीशन ही है, लेफ्ट और राइट सेंटर पोजीशन से अलग है. यानी 1/4 स्केल में ही आप सब कुछ मेजर कर पा रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं है. मतलब आप 3 किलो मेजर करो, चाहे 40 किलो मेजर करो, बहुत पास पास में रीडिंग आएगी, पैरेलेक्स एरर आ जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा. सिमिलरली यहां पे अगर आपको 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम, 13 ओम मेजर करना है तो पैरेलेक्स एरर आ जाएगा और यहां पे भी एरर आएगा. तो सेंटर पोजीशन जो है वो सबसे बढ़िया जगह है जहां पे आपको ओममीटर का रेजिस्टेंस मेजर करना है. इसलिए मैं आर एक्स की वैल्यू आर इंटरनल उतनी ही लेता हूं ताकि वो सेंटर में आ जाए और मैं उसको करेक्टली मेजर कर पाऊं, और मैं उसको करेक्टली मेजर कर पाऊं, ठीक है. चलो तो इसके आगे की बात अपन करते हैं, इसके आगे की बात अपन करते हैं. मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, देखो करना क्या आपको, समझो पढ़ने के लिए. यार गेट 2021 बहुत आसान सा एग्जाम है, बस अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो तो. अब देखो आज तारीख क्या हो गई, 30th, यानी ऑलमोस्ट आप मान लो 30 सितंबर हो गया है. अब आपके पास टाइम ही कितना बच रहा है, अब आपके पास बच रहा है पूरा अक्टूबर, आपका पूरा बच रहा है नवंबर, और आपका बच रहा है दिसंबर. अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि 30 दिसंबर आपकी डेडलाइन है पढ़ने की, इसके बाद आप नहीं पढ़ सकते. तो 3 महीना आपके पास पढ़ने के लिए है, यानी रोज आपको 7 घंटा पढ़ना है. पहले तो आप ये बात समझो, 7 hours study रोज चाहिए, ठीक है. अगर आपने यहां 7 घंटे दे दिए अक्टूबर में, तो 7 3 कितना होता है, 210. फिर आपने 30 घंटे दे दिए, फिर 210. फिर दिसंबर में आपने 7 घंटे दे दिए, 210, कितना हुआ, 630. 630 घंटे हैं आपके पास पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए, पुराने सब्जेक्ट रिवाइज करने के लिए और नए सब्जेक्ट.
तो 7 घंटे ये जो टाइम है ये मुझे कम लगता है, इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। 7 घंटे जो टाइम है थोड़ा कम है, इसको बढ़ाना पड़ता है। कैसे? क्योंकि आप यूट्यूब और स्पेशल पे तो पढ़ते ही हो, तो आप अपने लिए टाइम कब निकालोगे, अपने लिए कब टाइम निकालोगे? इसलिए दिन में या शाम को कोई ऐसा टाइम रखो जब आप यूट्यूब और स्पेशल नहीं देखते हो, उस समय आप अपना पढ़ाई करो। और एक बार में 3 सब्जेक्ट से ज्यादा मत पढ़ो, वैसे तो 2 ही पढ़ने चाहिए, लेकिन अभी 3 महीना बच रहा है। और अगर आपने मैक्सिमम कोर्स तो कर ही लिया होगा, मैक्सिमम कोर्स कवर कर लिया है, तब तो बात ठीक है। अगर कोई आज से स्टार्ट करता है तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, आपको 9 घंटे रोज देने पड़ेंगे या 2 घंटे रोज बढ़ाने पड़ेंगे, यानी 150 से 180 घंटे और देना पड़ेगा। अब आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो दिन भर में, आपको आपको 20 क्वेश्चंस रोज करने, 20 क्वेश्चंस डेली का कंसेप्ट अपनाओ। और ये जो 20 क्वेश्चन करने हैं, ये एक सब्जेक्ट के नहीं करने, ये फुल कोर्स के करने हैं। किसके करने हैं? फुल कोर्स। फुल कोर्स का मतलब कैसे करेंगे? मान लो आपने नेटवर्क लिया किसी सॉल्ड बुक से, नेटवर्क के आपने 2 क्वेश्चन लगा लिए, पहला और दूसरा, ठीक है। अगर आपसे हो जाए तब तो ठीक है, और नहीं हो जाए ठीक है, नेटवर्क अगर आपसे क्वेश्चन हो जाए 2 तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो आप क्या करो, नहीं हो जाए आपसे तो आप क्या करो, पीछे सोल्यूशन देखो और आपसे हो जाएगा। दूसरा, फिर आपने एनालॉग ले लिया, फिर आपने मशीन ले लिया, फिर आपने EMFT ले लिया, फिर आपने चलो मेजरमेंट ले लिया, ऐसे आप सब्जेक्ट लेते रहे, सिग्नल सिस्टम लेते रहे, पावर सिस्टम लेते रहे, पावर सिस्टम की जगह दूसरे बच्चे जो है वो कम्युनिकेशन ले लेंगे। तो मैंने आपसे कहा टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं, 8 टेक्निकल हैं और 2 आपके क्या हैं, 8 टेक्निकल हैं, 8 टेक्निकल है। हेमराज, दिस इज माय शो, आई विल डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, यू डोंट प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट शुड आई नॉट टू डू। ओके हेमराज, दिस इज माय शो, दिस इज माय क्लास, आई विल डिसाइड व्हाट टू डू, हाउ टू टीच, व्हाट इज द स्ट्रेटजी प्लान, यू प्लीज डोंट टेल मी व्हेन टू टेक केयर ऑफ द स्ट्रेटजी एंड व्हेन टू टेक केयर ऑफ द क्लास, ठीक है, यू प्लीज डोंट टेल मी। चलो, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने, ऐसे करते करते जब आप 10 सब्जेक्ट्स के, बात समझना, 10 सब्जेक्ट के 2 क्वेश्चन एवरीडे करोगे, 2 क्वेश्चंस, तो ये 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा इससे। प्रॉब्लम क्या है कि आपने इसी इलेक्ट्रिकल IN के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उसके लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर अभी तक सॉल्व नहीं करे, और आप सोचते हो मैं करूंगा 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 और ऐसे दिसंबर आ जाएगा और आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो। तो अब मेरी बात समझो, समझना बात। 20 क्वेश्चंस डेली का मतलब क्या है? 30 दिन में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 600 हो गए। फिर 30 दिन में कितने हो गए? 1200। 60 दिन में और 90 दिन में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 1800। यानी आप 1800 क्वेश्चंस कर चुके होंगे। और अगर आप देखें हर साल 65 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आते नहीं आते, बीच में 14, 15, 16 में 3-3 सेट आते थे जो उसको छोड़ दो। There are 65 questions which are coming in the examination every. तो 10 साल के क्वेश्चन कितने हो गए? 650। और 20 साल के क्वेश्चन कितने हो गए? 1200। तो मुझे बताओ क्या तुम्हारी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के 20 साल के क्वेश्चन क्या इसमें कवर नहीं हो पाएंगे? तो तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारा 20 ईयर्स का क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा तुम्हें बिना पता पड़े। क्यों? क्योंकि तुम रोज 20 क्वेश्चन डेली कर रहे थे। तो इससे बढ़िया यह है कि रोज मैं ये सोचूं यार ये किताब कब खत्म होगी, ये मेरी इसी की किताब खत्म नहीं हो रही, मेरे इंस्ट्रूमेंटेशन की ये सॉल्व पेपर खत्म नहीं हो रहे। सबसे अच्छा तरीका है रोज 20 क्वेश्चन लगाओ, तो आप देखोगे कि 30 दिन के अंदर आपके 10 साल के पेपर सॉल्व हो चुके और आपकी स्पीड इतनी बिल्डअप हो जाएगी कि आप 20 की जगह अगर 30 क्वेश्चन लगाओगे तो 1.5 महीने में आपकी वो पूरी किताब 20 ईयर सॉल्व पेपर की खत्म हो जाएगी और आपका आधा टेंशन खत्म हो जाएगा। जब आपकी 20 या 20 ईयर की किताब खत्म हो जाए उसके बाद आप लगाना बिट्स एंड बाइट्स, उसके बाद आप लगाना आरके कनोडिया। ये तरीका है, बात समझ में आती है? नहीं आती है? ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जो पढ़ा है उसका रिवीजन। और रात को सोने से पहले, जब रात को सोते हो, जब बेड पे लेटे लेटे मोबाइल देखते हो, उस मोबाइल को देखना बंद करो। क्योंकि आप क्या करते हो, 10:30 बजे आप मोबाइल देखना चालू करते हो, फिर आप सोचते हो मैं तो 5-10 मिनट देखूंगा, आधा घंटा देखूंगा, फिर बंद कर दूंगा। लेकिन आपको पता ही नहीं पड़ता कब 12:30 हो जाती है, मोबाइल देखते देखते आप देखते रहते हो और फिर आप मोबाइल को सिराने पर रख के सो जाते हो और फिर सुबह लेट उठते हो और ऐसा जिंदगी भर से आप करते आ रहे हो। इसलिए मोबाइल को कभी भी लेके मत सो, मोबाइल पे कुछ देखना है। अगर मोबाइल पे कुछ देखना है तो आपको क्या करना है? देखो बेटा, कोई भी बिजनेस चलाते हैं तो उसका एक सिस्टम होता है, ऐसे ही अगर आपको स्टडी करनी है तो उसका एक सिस्टम बनाना पड़ेगा।
अगर आप इसको स्टडी को बिजनेस की तरह ले लोगे, आप मान लोगे ये आपका बिजनेस है, ये आपके कमाने धमाने का संसार है, तो आप एक सिस्टम बनाओगे, एक स्ट्रैटेजी बनाओगे। अगर आपने एक सिस्टम बना लिया, एक स्ट्रैटेजी बना ली, तब तो आपका सारा काम इजीली हो जाएगा। नहीं तो आप क्या ऐसे कंफ्यूजन की तरह रहोगे और कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि यार मेरे को ये EMFT पढ़ना है, 8 दिन में खत्म करना ही करना है। अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आराम से 10 दिन में खत्म कर सकते हो। अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं ये बोल रहा हूँ रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रात को 10 बजे रिविजन करना, 10:30 बजे रिविजन करना चालू करो और 11:30 तक आपको रिविजन करना है। और क्या रिवाइज करना है, जो आपने आज पढ़ा बस उतना ही रिवाइज करना है। पहले पहले वाला गया तेल लेने, हमें कोई मतलब नहीं। आज से हम स्टार्ट करते हैं, आज जो भी आपने सुबह से शाम तक रजिस्टर में लिखा उसको रिवाइज करना। और मैं कह रहा हूँ कि 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगा। और ये भी प्रॉब्लम देता है तो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो अभी मैंने मेजरमेंट की क्लास लिया, तो आपने अभी रजिस्टर में लिखा होगा, तो रजिस्टर में मान लो 6 से 8 पेज हो गए आपके, किसी के 10 पेज भी हो सकते हैं। जैसे ही क्लास खत्म हो 12:30 बजे, खाना मत खाओ, पानी मत पियो, कुछ मत करो, जो मैंने लिखाया है उसको उसी समय रिवाइज कर लो। और आप देखेंगे कि सिर्फ आपको 10 मिनट लगेंगे रिवाइज करने के लिए। कितने मिनट लगेंगे? 10 मिनट। ओनली 10 मिनट्स रिक्वायर्ड टू रिवाइज। ऐसे ही आप मान लो अभी इससे पहले सिग्नल पढ़ रहे थे, मैथ्स पढ़ रहे थे, शाम को डिजिटल पढ़ोगे, एनालॉग पढ़ोगे, EDC पढ़ोगे, जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होता है उसको हाथों हाथ ही रिवाइज कर लो। और नहीं मानोगे तुम कि 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा वो। अगर रात को रिवाइज करोगे तो 20-25 मिनट लगेंगे, और अगर अगले दिन रिवाइज करोगे तो वापस से आधा पौन घंटा लगेगा। और मान लो तुमने सोचा कि मैं यार हफ्ते का हफ्ते रिवाइज करूंगा, तो जब नेक्स्ट हफ्ता आएगा तो वापस आपको 1.5 घंटा लगेगा रिवाइज करने के लिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि रिवाइज हाथों हाथ कर लेना चाहिए, रिवाइज हाथों हाथ कर लेना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बता दी, रिविजन करना बहुत जरूरी है। 3 चीजें हैं यार देखो, जो मैं बोलता हूँ बार बार बच्चों को बोलता हूँ, सुनना बात। उसको मैं बोलता हूँ CRT प्रोग्राम। आपने सुना होगा, सी से होता है कंसिस्टेंट, आर से होता है रिविजन, और टी से होता है टेस्ट सीरीज। अब समझना बात, ये आपकी जिंदगी कैसे बदलता है। सी का कंसिस्टेंट का मतलब है आपको एक डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी बनानी है पढ़ने के लिए, उसको चेंज नहीं करना है। चाहे किसी की शादी हो, चाहे कोई घूमने के लिए बुला रहा हो, चाहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा आ रहा हो, चाहे कुछ भी आ रहा हो। और आप ज्यादा टेंशन मत लो कौन प्राइवेट हो रहा है, कौन गवर्नमेंट हो रहा है। मेरे को एक बात बताओ, तुम यही सोचते रहोगे जिंदगी भर, तुम यही सोचते रहोगे कि कौन प्राइवेट होगा, कौन गवर्नमेंट हो जाएगा? अरे तुम्हें उससे क्या करना है कि वो प्राइवेट हो रहा है या गवर्नमेंट हो रहा है? तुम तो तैयारी करो और नौकरी करो। मतलब तुम क्या चाहते हो, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो अनस्किल्ड है, इसलिए तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। बात समझो, अगर वो रेलवे में जॉब करने वाले सारे लोग स्किल्ड होते हैं, स्किल्ड का मतलब है जिनकी उम्र 40-50-60 है, अगर वो सीखना ही नहीं चाहते, उनकी लर्निंग बंद हो गई है, तो गवर्नमेंट क्या करे, उनको तनख्वाह देती रहे जिंदगी भर? अगर मान लो एक की तनख्वाह है 80,000 रुपीज और वो कुछ भी सीखना नहीं चाहता, और वो रोज ये चाहता है कि टेबल पे आके मैं वही रोज काम करूं जो मैं रोज करता आ रहा हूं, तो ऐसे थोड़ी चलेगा यार, देश कब चलेगा फिर? फिर आप चाहते भी हो कि देश बढ़ भी जाए और प्राइवेटाइजेशन भी ना हो। आप चाहते हो कि आपकी रेलवेज, आपकी फ्लाइट, एक बार एयर इंडिया की फ्लाइट पे जाना और एक बार गो इंडिगो की फ्लाइट में जाना, आपको फर्क महसूस होगा, क्या फर्क होगा? आप चाहते हो कि आपको फैसिलिटीज मिले, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो, लेकिन आप चाहते हो कि कुछ भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन ना हो। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये थोड़ी कि गवर्नमेंट बेच दी है, गवर्नमेंट ने चलाने के लिए दे दिया है। जैसे मान लो एयरपोर्ट्स थे पहले फ्लाइट थी एयर इंडिया की, अब गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिगो, स्पाइसजेट, किंगफिशर ये चलाएंगे, तो वो अच्छा चला रहे हैं ना, और आपको अच्छी फैसिलिटी मिल रही, क्या दिख रहा है, लूट थोड़ी रहे हैं आपको। अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो बस इतना ही है कि आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप क्या काम करते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर महीने सैलरी मिलती रहेगी और आप जवाब नहीं दोगे, तो अच्छी बात है ना कि आपको जवाब देना है, कॉल टू एक्शन हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर वहां तनख्वाह 80,000 मिलती थी तो अभी भी 80,000 ही मिलेगी, ये थोड़ी कि उसको 40,000 कर देंगे, उससे तुम्हें क्या लेना देना है। अच्छा पहले तुम रैंक तो लाओ, अंडर 200 रैंक लेके आओ, उसके बाद सोचना कि यार वो प्राइवेट हो रहा है या गवर्नमेंट है या क्या है। पहले अंडर 50, अंडर 200, अंडर 500 रैंक तो लेके आओ, उसके बाद सोचना कि मैं IIT से एमटेक करूंगा। मतलब पहले सोचो तो सही, पहले तुम्हारा रैंक आ रहा है क्या वो देखो, 200 के अंदर, 400 के अंदर पता पड़ा तुम्हारा रैंक आ रहा है 2,500, और तुम सोच रहे हो कि यार ONGC तो प्राइवेट हो गया।
रैंक ही नहीं आ रहा है और तुम सोचे जा रहे हो कि वो प्राइवेट हो रहा है, स्ट्रैटेजी बनाने में मतलब पढ़ाई पे ध्यान दो, कॉपी पेन लेके पढ़ना चालू करो, पहले कॉपी पेन लो और पढ़ना चालू करो, उसके बाद ये बनाना कि ना ये प्राइवेट होगा ये गवर्नमेंट होगा, मतलब पहले कुछ अचीव करो दुनिया में, ये सोचना बंद करो कि ये प्राइवेट हो गया ये गवर्नमेंट हो गया, इससे क्या लेने देना तुम्हें, ठीक है। चलो अब बात समझो, मैं बोल रहा था कंसिस्टेंसी रिविजन स्ट्रैटेजी, सुन लो बात को, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप जो डिसिप्लिन प्लान बनाते हो पढ़ने के लिए उसको चेंज नहीं करना है 5 फरवरी तक, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता उसको चेंज नहीं करना है, वो फिक्स रहना चाहिए, उसको कागज दीवार पे लगा लो, उसको चेंज नहीं करना है। जैसे मंदिर में रोज पुजारी आरती करता है वैसे फिक्स रहिए, इसको चेंज ही नहीं करना है। सुबह अगर उठना है 5 बजे तो 5 बजे उठना है, चाहे तुम रात को 2 बजे सो चाहे 1 बजे सो, उससे कोई मतलब नहीं, कंसिस्टेंट होना ही चाहिए। रिविजन रोज करना कंपलसरी है और बार बार करते रहना कंपलसरी है। मैंने कहा जब सब्जेक्ट खत्म हो जाए तब तो करना ही है, लेकिन रोज का रोज रिविजन करोगे तो क्या होगा, मान लो 40 दिन बाद तुम्हारा मेजरमेंट खत्म हो गया और मैंने तुमसे कहा कि बेटा मेजरमेंट रिवाइज करो, तो ऐसा होना चाहिए कि तुम 1 घंटे में पूरा मेजरमेंट रिवाइज कर सको। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो तुम्हारा पढ़ना बेकार है, क्यों, क्योंकि तुम अपनी मेहनत रोज खराब कर लेते हो क्योंकि रिवाइज नहीं करते, तो आज जो पढ़ा है उसको आज रिवाइज करो और तुम देखोगे कि तुम सिर्फ 10 मिनट में रिवाइज कर पाओगे। और मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, जो आपने आज पढ़ा है अगर उसका रिवाइज आपने आज कर लिया 10 मिनट के लिए, तो कल जब उसका वापस से रिवाइज करोगे तो 2 मिनट में रिवाइज कर लोगे और अगले दिन 30 सेकंड में रिवाइज हो जाएगा। तो जब आप हफ्ते पे हफ्ते का रिवाइज करते जाओगे तो आप देखोगे यार मेजरमेंट मशीन ये सब आप 1-1 घंटे में रिवाइज कर पाओगे, सब पूरा का पूरा मशीन 1-1.5 घंटे में रिवाइज कर लोगे, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप रोज रिविजन करना सीख गए तो। तीसरी बात, टेस्ट सीरीज। देखो यार 20 अक्टूबर के बाद मेरा प्लान होता है जब टेस्ट सीरीज देनी चालू करनी चाहिए, और मैं तो ये बोलता हूँ 20 अक्टूबर के बाद। देखो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज का टाइम तो अभी चल रहा है, सितंबर अक्टूबर ये टेस्ट सीरीज का टाइम होता है सब्जेक्ट वाइज। 20 अक्टूबर के बाद वन इन अ वीक आपको गेट 2021 का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देना है, 20 अक्टूबर से हर हफ्ते आपको एक फुल लेंथ टेस्ट देना है। अब वो चाहे संडे चूज कर लो, चाहे मंडे चूज कर लो, चाहे कुछ भी चूज कर लो, सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह 5 बजे। देखो यार सुबह जल्दी उठना चालू करो और सुबह 5 और 6 बजे पढ़ना चालू करो। मान लो तुमने सुबह 5 बजे टेस्ट देना चालू करा तो आप देखोगे 8 बजे तक तो आपका टेस्ट ही खत्म हो गया। और देखो पहली बार में तो 3 घंटे लगेंगे नहीं, क्योंकि आप 3 घंटे तक वहां बैठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ही नहीं लगेंगे सारे। तो मैं आपको बोल रहा हूँ 2 घंटे में आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो कोई सी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और 20 अक्टूबर से रोज फुल लेंथ टेस्ट देना है। फुल लेंथ टेस्ट इसलिए देना है कि मुझे पता पड़ेगा कि मुझे क्या क्या नहीं आता। पता पड़ा आप सब कुछ पढ़े जा रहे हो, एक क्वेश्चन आ गया मैथ्स का, आप भूल गए काउची इंटीग्रल थ्योरम क्या होता है, आप भूल गए स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, तो आप क्या करोगे, रेसिड्यू थ्योरम भूल गए तो आप क्या करोगे, आप रजिस्टर पलटोगे कि यार काउची इंटीग्रल थ्योरम कहां है मैं देखूं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है या नहीं है? तो कंसिस्टेंसी रिविजन टेस्ट सीरीज का ये मतलब है। अब मान लो आपने मेजरमेंट का कुछ क्वेश्चन किया और आपने देखा कि यार ये तो रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, फिर रजिस्टर पलटोगे और देखोगे ये रेक्टिफायर। तो आप टेस्ट देते देते, टेस्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो नहीं आ रहा उसको हाथों हाथ देख के रिवाइज कर लो। तो आप यू विल बी शॉक्ड कि 30 दिसंबर के बाद आपकी बिल्कुल मेमोरी क्लियर होगी और आपको पता होगा यार मेरा 400 के अंदर रैंक आने वाला है, आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि मेरा 400 के अंदर रैंक आने वाला है। बात समझ में आ रही है? आज मैंने काफी आपको चीजें बता दी कि कैसे प्लान करना है, कैसे स्ट्रैटेजी है। और आप ध्यान देना, जिस दिन सी से होता है कन्वर्जन, सी से क्या होता है कन्वर्जन, और टी से क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन। बात समझना, जिस दिन आपने कंसिस्टेंसी और रिविजन टेस्ट सीरीज अपना लिया, तो अभी से लेकर आज की तारीख से लेकर जिस दिन तक आप एग्जाम दोगे वो कन्वर्जन होगा और ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखेगा 15 मार्च 2021 को, जब आपका रिजल्ट आएगा अंडर 500 के अंदर। तो कन्वर्जन से ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो कंसिस्टेंसी रिविजन टेस्ट सीरीज सीआरटी प्रोग्राम अपनाओ। ये प्रमी सर का अपना प्रोग्राम है, सीआरटी प्रोग्राम बोलता हूँ मैं, क्या बोलता हूँ, सीआरटी प्रोग्राम। तो अगर आपको सब समझ में आ रहा है तो जस्ट टाइप इन द कॉमेंट सेक्शन सीआरटी। अगर ये सब समझ में आ रहा है तो जस्ट टाइप इन द कॉमेंट सेक्शन सीआरटी। तो कभी कभी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करता हूं मैं, तो जस्ट टाइप इन द कॉमेंट सेक्शन व्हाट इज, जस्ट टाइप इन द कॉमेंट सेक्शन सीआरटी।
ठीक है। चलो तो यार बता दूं, मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं कि ये मोस्ट पॉपुलर कोर्स है, मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। और आपका कोड क्या लगाना है, गेट लाइव। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, गेट लाइव कोड इज एसेंशियल फॉर आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आप आइकॉनिक का ले लो या फिर आप गेट लाइव कोड लगा दो। और दिस इज द मोस्ट पॉपुलर सब्सक्रिप्शन, अमाउंट इज 22,500। आइकॉनिक के लिए अमाउंट है वो है 40,500। आइकॉनिक के लिए जो अमाउंट है वो है 40,500 और प्लस के लिए जो अमाउंट है वो है 22,500। ठीक है, तो यार जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो और कोड लगा दो गेट लाइव, कोड लगा दो गेट लाइव, कोड लगा दो गेट लाइव, या आप कोड लगा सकते हो प्रमीट 10। तो गेट द सब्सक्रिप्शन डन, यू कैन यूज द कोड प्रमीट 10। आप प्रमीट 10 कोड भी लगा सकते हो। आप चाहो तो EMI वाला ऑप्शन भी है। तो मैं तो आपको बोलता हूँ 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लो, 11,500 रुपए में आ रहा है। 11,500 रुपए में आपका 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आ जाएगा अनअकैडमी का। बस कोड क्या लगाना है, गेट लाइव, कोड क्या लगाना है, गेट लाइव या प्रमीट 10। और जल्दी से यार कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बजाज फिनसर्व, कोई सा भी कार्ड आप यूज कर सकते हो। बस आपको कोड लगाना है गेट लाइव, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे 11,500 रुपए मिल जाएगा। इस तीन मंथ के अंदर आपको अनअकैडमी के सारे वीडियोस, के एक्सेस मिल जाएंगे। यानी आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो रिकॉर्डेड या लाइव। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही मिलेंगे, सारे एजुकेटर्स के सारे वीडियोस के एक्सेस मिल जाएंगे। तो सुबह 4-5 घंटे वीडियोस देखो 1.5x स्पीड पर, सारे नोट्स बनाओ और शाम को 5-6 घंटे पढ़ने पे दो। मैं बता रहा हूँ, इधर उधर मत घूमो ज्यादा, 5 घंटे सुबह अनअकैडमी पे दो, 5 घंटे सुबह अनअकैडमी पे दो और 5 घंटे शाम को अपनी पढ़ाई पे दो पर्सनल, और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। 10 घंटे बहुत होते हैं बेटा, 10 घंटे का मतलब हो गया रोज 300 महीने के 900 घंटे आप दोगे आपकी जिंदगी को गेट के लिए, तो आपकी जिंदगी कैसे नहीं बदलेगी। आप 900 घंटे किसी चीज को दोगे तो आपकी जिंदगी वैसे ही बदल जाएगी बेटा। आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, मुझे व्हाट्सएप नंबर करो, नंबर तुम्हें पता है 7878536325, वहां पे बता दूंगा। ये ऑफिशियल चैनल है, यहाँ पे नहीं बता सकते, ऑफिशियल चैनल पे नहीं बता सकते, ठीक है। चलो तो फिर क्लास को एंड करते हैं यार, थैंक यू फॉर बीइंग इन द क्लास। और बच्चे क्या बोल रहे हैं, आर यू कवरिंग दी टॉपिक्स ऑफ सिलेबस फॉर गेट इन द वीडियोस? यस, आई एम कवरिंग ऑल द वीडियोस बेटा, आई एम कवरिंग ऑल द टॉपिक्स ऑफ गेट एंड ईएससी ऑफ मेजरमेंट इन दिस सीरीज, ओके। चलो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू। सो दिस इज प्रमीत लवा साइनिंग ऑफ राइट हियर राइट नाउ, थैंक यू सो मच, प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली, थैंक यू सो मच।